स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, जो जिस पे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, तो आई होप स्टूडेंट जो अभी तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे भी पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ी एक्सरसाइज, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, अ वी सी आर एंड टी वी वर ब्रॉट ऑफ 8,000 ईच। तो क्या कह रहे हैं, जो हमारी क्या है, एक वी सी आर और एक टी वी है, तो उसको क्या है बेच रहे हैं कितने में, 8,000 में, सॉरी। ओके, तो द शॉप कीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वी सी आर। तो क्या कह रहे हैं, जो शॉप कीपर है ना, उसे क्या हो रहा है, हमारा 4% क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। और जो क्या है, एंड जो प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और उसे क्या हो रहा है, 8% प्रॉफिट हो रहा है टीवी पे। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो उसे गेन या लॉस जो भी हो रखा है उसका परसेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे ना इसे हम। तो सबसे पहले नोटबुक ले ली हमने। अब देखो, सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है ना उसको लिखते रहते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ, तो हमें सबसे पहले रेट लिख लेते हैं। रेट कितना है, रेट ऑफ वी सी आर कितना हो गया हमारा, 8,000। ओके, सेम एज रेट ऑफ टी वी कितना हो गया, वो भी 8,000, ठीक है। अब देखो, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ ऑन वी सी आर। तो सबसे पहले वी सी आर कर, फॉर वी सी आर यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, फॉर वी सी आर। अब देखो वी सी आर में क्या कह रहा है, लॉस ऑफ 4% ऑफ वी सी आर। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो प्राइस लिख लो, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे वी सी आर की, 8,000 ये है, ठीक है। और उस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 4%। तो निकाल लो, 4% लॉस निकाल लेते हैं अगर हम इसका, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4/100 इनटू किस पे लॉस होगा, इसी पे लॉस होगा, तो यहाँ पे लिख लो 8,000। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए हमारे, कितना आया यहाँ पे, 4×8=32, तो कितना आ गया, 32 इतना आ गया। अब देखो ये लॉस हो किस में से रहा है, तो लॉस हो रहा है हमारा किस में से, ये देखो ये 32 है, इसमें से लॉस हो रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो कितना लॉस हो जाएगा हमें पता चल जाएगा। तो माइनस करके क्या आया हमारे पास, ज़ीरो का ज़ीरो आ गया, तो 10 - 2 हमारा 8 होता है, और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 9, तो 9 - 3 = 6 होता है, और हमारा 8 से हमने बोरो लिया था, तो यहाँ पे रह गया 7। तो इतने रुपीज़ का रहा, ठीक है। तो उसे कितना हुआ, इतने का लॉस हुआ और इतना परसेंट रहा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये तो आ गया, अब देखते हैं फॉर वी सी आर देख लिया। अब देखो टी वी के लिए, फॉर टी वी, अब यहाँ पे हम टी वी के लिए अप्लाई करेंगे। तो टी वी पे जो जो और रखा है, तो रेट ऑफ जो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना है हमारा टी वी का, वो भी 8,000 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पर प्रॉफिट हो रहा है 8%, है ना, 8% ही हो रहा है, देखिए हाँ 8% हो रहा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट उसका कितना हो रहा है, तो 8/ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100×8,000, इससे ही होगा ना, तो 20 से 20 कैंसिल, तो 8×8=64, तो इतना आया, मतलब उसे प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, इसको प्लस कर लेंगे, इसमें अगर हम इसको प्लस कर लेंगे कितना, 1/3, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा क्या, तो 0 का 0 = 4, 6 और 8 इतना आ गया इस पर प्रॉफिट, और इस पर इतना, इतने का लॉस हुआ, इतने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब सबसे पहले टोटल प्राइस देख लेते हैं इसका, टोटल प्राइस, टोटल जो हमारा सीपी था वो कितना था, टोटल अगर उसके लिए क्या है, सेलिंग है ना, उसके लिए सेलिंग है, तो यहाँ पे हम एसपी करेंगे ना, हमने यहाँ पे ये भी हमने गलत कर रखा है यहाँ पे सीपी करके। अब ये क्या है, शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, सेलिंग करेगा ना, तो ये आ गया एसपी। तो टोटल एसपी कितना है उसका, अब वीसीआर और क्या हो जाएंगे, वीसीआर प्लस पीवी हो जाएगा, जो फर्स्ट में रेट था कितना हो जाएगा, 8,000 + 8,000 हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में जो रेट था वो इतना है, तो इसको प्लस करके आता है 16,000 आ गया, 16,000 आ गया ना। अब ये तो आ गया टोटल पहले, अब देखो जब प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसके बाद कितना हुआ, तो फिर टोटल एसपी हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, VCR लॉस प्लस TV प्रॉफिट, उसी को देखेंगे हम, ठीक है। तो VCR लॉस एंड TV प्रॉफिट, तो इस पे कितना ये आया हमारे पास, कितना 76 लॉस होने के बाद का, तो प्लस और ये प्रॉफिट होने के बाद का आ जाएगा 8640। तो ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो 7680 प्लस 8640, 0 आ गया, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 हमारा 1 इधर चलेगा, 6 प्लस 6 होता है हमारे पास 12, प्लस 1 13, 13 का 3 1 इधर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 प्लस 8 16 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो हमारा ये टोटल आ गया कितना, 16320, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हो रखा है वो क्या होगा, तो प्रॉफिट इज टोटल में से जो नया आ रखा है, जो नया है आपको लग ही रहा होगा वो क्या है, 332 ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया हमें 332 का। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रखा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, इतना बाय क्या आ जाएगा, जो पहले हमारे पास जो रेट आ रहा था टोटल कितना, 16,000 × 100, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि 16,000 है ना। तो इन 2 ज़ीरो से क्या होंगे, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, तो इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, परसेंट का मार्क भी लगाएंगे, तो 16×2 = 32, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 2%। तो यानी उनको क्या होगा, 2% का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना, अभी जो आपको PPP नज़र आ रहा है ये प्रॉफिट है, ओके, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है यहाँ पे, क्या है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस ऑल द आइटम्स। तो एक सेल हो रखी है, तो वहाँ पे क्या कर रखा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है हर चीज़ पे। तो कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट इतना एंड टू टी शर्ट मेक ऑफ इतना, मेक एट इतना। तो क्या कह रहे हैं कि टू टी शर्ट इतने पे आ रही हैं, ठीक है, टू टी शर्ट इतने पे नहीं आ रही, वन ये 1 टी शर्ट का प्राइस है, 2 टी शर्ट उसने ली और एक पेयर ऑफ जीन्स लिया जो इतने में आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो उस पर लिखा है मार्केट प्राइस, तो वो तो ये रहा, ठीक है। तो हमें पूछ रहे कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ठीक है। तो जो डिस्काउंट है वही निकाला, कितने का हुआ उनको डिस्काउंट, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, जो जीन्स का, सबसे पहले जीन्स के लिए लेते हैं, उसके बाद लेंगे नेक्स्ट हम। तो जीन्स का मार्केट प्राइस क्या है, जीन्स का, तो ये मैं जे लिख रही हूँ जीन्स को, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। तो ये है हमारे पास 450, तो पेयर ऑफ, यहाँ पे पेयर भी लिख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतने में आए, अब उस पर 10% का डिस्काउंट है क्या, उस पर 10% का डिस्काउंट है ना, तो उसको कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट ऑफ 10% किस पे, इस पे ही होगा। तो कितने में आ जाएगा देखिए, तो डिस्काउंट मतलब छूट, अगर हम जो हमारे पास टोटल होगा उसमें से जो डिस्काउंट मिला उसे माइनस करेंगे तो वही उसका रेट होगा, तभी तो हम उसको खरीदेंगे ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो जीन्स इतने की आए, तो डिस्काउंट लगा उस पर 10% का, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट कैसे होगा, किस पे होगा, इस पे होगा, 10% का डिस्काउंट माइनस 10% मतलब 10/100 × किस पे, इसी पे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ओके। तो हमारा क्या होगा, 2 ज़ीरो से इसका ये ज़ीरो कट गया, इसका ये ज़ीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 − 1450, ये आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1450 लिखा, अब यहाँ पे लिखेंगे 145, तो इसको माइनस कर दो इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 4 − 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 − 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1305, इतना हुआ, ठीक है। अब ये तो हमारा इसके लिए आ गया, अब टी शर्ट के लिए, अब टी शर्ट ही है ना वो, टू एंड टू शर्ट, हाँ अच्छा, तो टू शर्ट है वहाँ पे, तो शर्ट्स हैं, तो शर्ट्स के लिए कितना हो गया, टू शर्ट है, और उसका प्राइस कितना दे रखा है वो भी देख लेते हैं, 850, तो वो हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 850 गिवन है, ठीक है। तो 850 गिवन है वो हमें, तो उसको भी लिख लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा, है ना।
अब देखो ये 850 तो लिख लिया, अब क्या करना है इस पे भी, ये 2 टी शर्ट है और ये 1 का है, तो क्या कर लेंगे 850 प्लस 850 2 टी शर्ट का हो गया हमारा, तो 0 तो एज इज आ जाएगा, और उसके बाद 5 प्लस 5 ये भी आ जाएगा 0, उसके बाद 1 इधर चले गया, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, कितने के आ गए ये टोटल आई हमारे इतने की, ठीक है ओके। अब इस पे भी डिस्काउंट है 10% का, सेम है डिस्काउंट निकाल लेंगे ओके। जब डिस्काउंट निकल जाएगा ठीक है, तो इसका कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे आप डिस्काउंट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा माइनस 10%, 10/100 इंटू 17,100 यहाँ पे होगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 170, तो इसमें से अगर हम 170 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1530 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा जब ये आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा टोटल, टोटल कितना आ जाएगा देखिए, इसको और इसको प्लस कर लेंगे तो 15530 प्लस 1305 ये आ गया, इसको अगर हम प्लस कर लेंगे जो भी यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्काउंट और जो मार्केट प्राइस है उसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिस्काउंट हमें क्या निकाल द मार्केट प्राइस ऑफ इतना आइटम, तो व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे द पेयर ऑफ जीन्स मार्केट, तो जो इस दोनों का सम आएगा ना वही उसको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे करना पड़ेगा ओके। तो इस तरह से आप इसे फाइंड करेंगे, सो जो बाकी के क्वेश्चन है आप देख लेना गाइस, ठीक है, थैंक यू।